सिरसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉ अशोक तंवर ने आज एलनाबाद हलके के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग और कप्तान मीनू बेनीवाल मौजूद रहे। एलनाबाद हलके के सभी गांवों में अशोक तंवर के समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी जमकर उत्साह देखने को मिला। चिलचिलाती गर्मी और दोपहरी में भारी भीड़ देखकर अशोक तंवर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वहीं सिरसा से भी लोग कमल का बटन दबाकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज एलनाबाद हलके के बकरियामवाली, गुड़ियाखेड़ा, डुकड़ा, जमाल, बरासरी, हंजीरा, रामपुरा ढिलो, खेड़ी, कुम्हारिया समेत दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बाइकों और ट्रैक्टरों के काफिलों का साथ स्वागत किया। इस सभा में पहुंचने पर ग्रामीणों ने डॉ तंवर के समर्थन में जय श्रीराम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये भी एक ही स्वर में दोहराया कि अब की बार 400 पार। इस पर सभी का आभार जताते हुए डॉ तंवर ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के समर्थन में जबरदस्त आंधी चल रही है और लोग भी यही चाहते हैं कि देश को पुनः एक मजबूत हाथों में सौंपा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विश्व में एक अलग पहचान बनाए हुए है, बल्कि इन 10 सालों में हर वर्ग को उन्नतशील डगर भी मिली है। इस मौके पर कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को नहरी पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए हर गांवों में खेतों में खाले नाले बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्याओं के समाधान के लिए मैं दिन रात तैयार हूं। एलनाबाद में मीनू बेनीवाल ने बनाया माहौल। अहम बात यह है कि एलनाबाद के कप्तान मीनू बेनीवाल ने भी डॉ अशोक तंवर के साथ पूरे हलके में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा मीनू बेनीवाल जैसे ही अशोक तंवर के साथ एलनाबाद पहुंचे तो सभी लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि बेनीवाल ने एलनाबाद हलके में डॉ तंवर के पक्ष में बड़ा ही मजबूत माहौल बना दिया है। मीनू बेनीवाल ने हलके के लोगों को कहा कि डॉ तंवर की जीत से न केवल उनका मान बढ़ेगा बल्कि एलनाबाद वासियों की भी सत्ता में भागीदारी होगी। उन्होंने गांव गुड़ियाखेड़ा में स्थापित की गई लाइब्रेरी का भी मुआयना किया और यहां युवाओं से बातचीत की। जिला अध्यक्ष निताशा ने की वोटों की अपील। जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग ने एलनाबाद हलके के ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार के 10 सालों के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए एलनाबाद में भी अभूतपूर्व विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि इन्हीं विकास के आधार पर सभी को भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहिए। माता की गौ माता की गर्मी के मौसम में प्याज इकट्ठा हो जाओ अज ती अंतर या तो पार्टी को निशान नुशान कौन ही मारकने, लेकिन अब विधिवत रूपों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली मैं अभी नाते हूँ। वो पहलो चुनाव है और थारे गांव ने मैं लगभग मेरो ही गांव मान के चले हूं। मैं कोई भेदभाव था सके कभी को नहीं करो। बैठो कोशिश करी है कोई भी चाहे कोई पार्टी वाला हा चाहे कोई दूसरी पार्टी वाला हा, मैं कभी थारू ऐ सवाल जवाब ही करया को नहीं है। तारे गांव की कोई गुटबाजी हो कोई और हो विंगो तो देखो मारकन तो कोई इलाज है कोनी, लेकिन मैं एक बात कदी कौन करी कि भी गांव के फायदे में कोई दिक्कत आवे। 3 साल पहले काम शुरू करे हो और थाने 75-80 करोड़ रुपया थाने ग्रांट लेके दी है। बिजली को जो को सब स्टेशन बनाया नाली वालों काम छोटो काम हो थाने ध्यान कोनी थाने के मिले हुए
देखो बिजली का स्टेशन है आयो था बिजली कर इनकी अपग्रेडेशन में 78 करोड़ रुपया की अपग्रेडेशन है और काम लगभग पूरा हो लियो नहीं इनके बाद आज 10-15 साल बाद थाने पता लगेगो के ना जान बैठे 15 साल बाद थाने पता लगेगो कि काम कटे पूक गयो इन गांव में 24 घंटा लाइट रहेगी और जब 24 घंटा लाइट रहेगी तो इन गांव में इंडस्ट्री बढ़ेगी इनमें उद्योग आओगा या याद रखियो मेरी बात ने भूलियो ना अब भी धीरे 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 लोग आने लग गया कोई स्कूल आओगा कोई कॉलेज आओगे कोई यूनिवर्सिटी आओगी इन क्योंकि लाइट की सारा ज्यादा दूर लाइट की होगा आदमी ने लाइट हो सी तो सब कुछ हो सी तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होता है साहब मैं इन गांव में हमने जब आए थे काम शुरू किया था हमने एक भी गली नहीं छोड़ी तंवर साहब इस गांव की जिसको पक्का ना किया अब बात सच्ची है कि झूठ को कभी मैं सरकांता हूँ पीछे जाए बाद में फिर कह देगा कप्तान तो यही मारे आधे गली पराने दे ही बिंगो नाम तो कौन लेते थी कोई और अगला जगह 80 लाख आज ले गए हो बिंगो कभी फिर कह दो कि तो भी साहब मार ले दिया है मार लो बहुत चल रहा है ना चुनाव तो नंदा लड़ो दे मेरे लो थोड़ी लड़ो है नंदा की चाल लगी तो क्यों रणजीत पागल है फिरे मेरे साथ सारा की चाल लगी नंदो ही थारो है ते गांव में थारे यही चलती है 40 साल नंदा को बाबू सरपंच लड़े करतो थे सामी लड़े करता तारी आपस की बात करती ऐ बात ना करके जो को नंदो विकास से कोई भी काम खत्म डांग दे सारे दिन पिंगी भी याद रखे करो जो को रणजीत भाई जी काल को मेरे पीछे बढ़ रहे हो पिंगी बात भी याद रखो 60-900 उसके नंबर है 60-974 के वो 60-900 वो आज जगह तो निहाल करते हो काके अरे बताओ को नहीं वो आज जगह तो निहाल करते हो काके पिछली बार मुक्को मार के गयो मैं इस बार नाली लाऊंगा तो मैं लाऊंगा के रही बात बा साची के 32 किलोमीटर की नहर खोद के दिए पल्लो 32 किलोमीटर की टेल पर आज भी पानी है नहीं तो चुनाव चलता रहेगा माटी चका लियो वह दड़ा महा पटन लग गया फिर मीनो दूसर को नहीं टंकी पर गटी चढ़ जी हो वह दड़ा पटन लग गया पीछे वह माटी महा पड़े है खराब हो अपना नुकसान होने लग रहा है एक कर बने चीज 20-30 साल काम आनी चाहिए बैठ जा बेटा बैठ जा भैया तो बिन है थम जा बाद में देती पर्ची तो बिन है थोड़ा सो दड़ा उठवाओ थोड़ा ठीक रखो बिन है थे 18 को मैं 17,000 कुछ को वो आ गयो के थरक बखाड़िया बन गए के 18,000 किसाक बने हैं और भी चाहो के बनाना कै साल बाद बने हैं तो इया कौन बने के कोई चौधरी पर बैठे हो कोई बिना पीपल तेरे बैठे हो कुछ पीछे घर बैठे है सुना बात ने आगे रफा बात करके चले इया कौन बने सारा काम कठो रखना पड़ो थाना